हमने देखा किस तरीके से चिंगिस्तान की नागिन ने बवाल मचाना शुरू किया है। भारतवर्ष पे चिंगिस्तान के नागिन के जहर से एक दवाई बनाई गई और उस जहर को नदियों में मिला दिया गया और उसकी वजह से बच्चों को प्रॉब्लम होने लग गई, लोगों को प्रॉब्लम होने लग गई, जिसकी वजह से शेष नागिन को बुलाया गया। अब आप सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि चिंगिस्तान की नागिन, ये जो लाल नागिन है, ये कौन है और इसके बारे में सबसे बड़ी बात। स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल टेली खजाना में। मैं हूं आपका यारों का यार, आपका होस्ट राहुल भोज। आप सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि चिंगिस्तान के नागिन वो लड़की है जो कि नागिन फ्रेंचाइज के साथ पहले भी जुड़ चुकी है। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बता दो तो ये चिंगिस्तान के नागिन बिग बॉस 13 में भी आई थी और ये चिंगिस्तान के नागिन कौन बिग बॉस 15 में भी आई थी। समझ गए नहीं समझे, मैं बात कर रहा हूं रश्मि देसाई की। द ब्यूटिफुल द गॉर्जियस रश्मि देसाई इज द नेक्स्ट हॉट थिंग ऑफ नागिन 6। तेजस्वी के नागिन में अब दोस्तों एक नया टर्न आया है और ये टर्न जो आया है ये रश्मि देसाई के आने की वजह से आया है। कल से रश्मि देसाई ने अपना शूट शुरू कर दिया है और रश्मि देसाई बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इस नागिन फ्रेंचाइज का हिस्सा बनके। वैसे आपको बता दूं दोस्तों तो ये लाल नागिन बहुत ज्यादा जहरीली है और इसी के जहर से ही बनाई गई हैं काफी ऐसी दवाएं जिसका ट्रक का कंसाइनमेंट आने वाला है हिंदुस्तान। ये हम अगले एपिसोड में देखेंगे और अगले एपिसोड में रिवील हो जाएगा कि आखिरकार चिंगिस्तान के नागिन यानी कि रश्मि देसाई को किस तरीके का एक लुक दिया है। बता दूं आपको रश्मि देसाई का लुक बहुत ज़्यादा डेंजरस है, डेडली है और लोग एक्साइटेड हैं ये बात देखने के लिए। जी हाँ, जैसे ही मैंने आपको ये बात बताई इस पर अब आपको क्या है कहना मुझे ज़रूर बताएं। रश्मि का नागिन अब बवाल तो मचाएगा ही मचाएगा, इतना मैं कह सकता हूं। और इस शो की जो टीआरपी 2.2 थी, I'm 101% sure 2.4, 2.8 तक पहुंच सकती है। आपको क्या है कहना जरूर बताएं। रश्मि देसाई वर्सेस पलक और तेजस्वी, ये जब लड़ाई होगी देखने में कितना मजा आएगा, कमेंट कीजिए बताइए मुझे। बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें टेली खजाना।